हेलो एवरीवन, इस फेस्टिव सीज़न में आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चे कतरन की मदद से बहुत ही यूज़फुल चीज़। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये दो चीज़ें आप बेकार चूड़ियों की और कतरन की मदद से बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस फेस्टिवल सीज़न में आप इस तरीके के बनाकर घरों में डेकोरेट करने के लिए लगा सकते हैं। तो हमें करना क्या है, लेना है एक कोई भी फ्रेम जो कि एम्ब्रॉयडरी फ्रेम होता है वो ले लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसी के साइज़ का कार्डबोर्ड कट कर सकते हैं। उसके बाद हमें कोई भी बचा हुआ फैब्रिक ले लेना है, कोई भी कतरन वगैरह जो कि छोटा सा भी पीस हो वो ले लेना है। उसके बाद इसमें हमें इसको फिट कर देना है। और इसके बाद अब हम यहाँ से आसानी से पहले गोलाई में कपड़े को कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड से अच्छे से गोलाई में कट कर लिया है और फिर हमें बीच के सेंटर में इन कपड़ों को ले आकर बांध देना है। ऊपर वाला फ्रेम हमें निकाल लेना है, बस हमें एक फ्रेम की ज़रूरत है अंदर वाले फ्रेम की। इसके बाद हमें इसको ऐसे सुई धागे की मदद से स्टिचिंग लगा लेनी है। तो ऐसे करके हम बीच के सेंटर में इसको सिलाई लगा देंगे और ये ऐसे कवर हो जाएगा अच्छे से। बिल्कुल टाइट हमें चुन करके बीच में लगा देना है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से स्टिच कर दिया है और इसको अच्छे से मैंने कवर कर दिया है। फैब्रिक आप कोई भी ले सकते हैं, नेट का फैब्रिक या तो फिर कोई हल्का अस्तर का फैब्रिक कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें लेना है गोटा पट्टी। गोटा पट्टी को यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, ऐसे राउंड राउंड करना और थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें ऐसे लपेटते जाना है। तो देखिए मैंने अपोजिट डायरेक्शन से ऐसे करते हुए गोटा पट्टी को लपेटा है और ऐसे करते हुए हमें पूरा इसको कवर कर लेना है जिससे कि एक ये सर्कल डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए ऐसे करते हुए हम पूरा इसको कवर कर लेंगे और ये ऐसे बन जाएगा। इसको करने के बाद हमें यहाँ से सुई धागे की मदद से इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद बीच के सेंटर से इसे कट कर लेना है। तो ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। और इसके बाद बीच के सेंटर से सुई को अच्छे से दो तीन बार स्टिचिंग लगा देनी है जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से टाइट हो जाए। तो ये बनकर रेडी हो गया है ऐसे। उसके बाद अब हम नीचे का टेसल बनाएंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर नेट के कपड़े का यूज़ किया है। ये भी मैंने बचे हुए कतरन में से लिया हुआ था। और इसको हम ऐसे करके चुन कर देंगे, एक स्ट्रिप लेंगे उसको ऐसे करके चुन कर देंगे। और फिर इसके बाद हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये टेसल बनकर रेडी हो जाएगा। इसको सुई धागे से हमें ऊपर की ओर नॉट लगा लेनी है। नॉट लगाने के बाद आप इसको ऐसे ही बना लें और इसके बाद तीन और इसमें से तीन पीसेस बनाने हैं तो ऐसे ही दो और बना लें। इसके बाद हम अच्छे से इसमें नॉट्स लगाएंगे। नॉट्स लगाने के बाद यहाँ पे हम कुछ चार्म्स ऐड करेंगे जैसे कि पॉम पॉम वगैरह, पर्ल्स वगैरह, आप ये सब ऐड कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये बेल वाली, ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी, वो लेना है और इसको इसमें लगा लेना है। और ये बेल वाली जो मोती होती है वो हमें इसमें डाल देनी है और इसके अंदर इसको कवर कर देना है। तो ये बनकर रेडी हो गया है ऐसे। और उसके बाद अब हमें इसमें कुछ छोटी वाली मोतियाँ ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम कुछ छोटी वाली मोती ऐड करेंगे इसमें और फिर उसके बाद हम इसमें एक पॉम पॉम ऐड करेंगे। तो ऐसे करते हुए हम पूरा इसको एक टेसल बना लेंगे, एक लाइन पूरी बना लेंगे। ऐसे ही हमें तीन लाइंस बना लेनी है। इसमें मोती डालेंगे, पॉम पॉम डालेंगे और ये बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसमें एक पॉम पॉम डालेंगे और फिर से कुछ मोतियाँ डाल के इसको इसमें ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे करते हुए हमें तीन लाइन बना लेनी है। आप साइज़ देख लें, अगर आपको बड़ा बनाना है तो मोती आप और ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो फिर
जितना बड़ा आप चाहे उतना बड़ा हिसाब से आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। और अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से हमें सिंपली इसको ज्वाइन कर देना है और इसी तरीके से फिर बीच के सेंटर में हम इसको एक बड़ी लाइन बनाएंगे, जैसे कि मैंने ये वाली बनाई है, और फिर इसके बाद इसी साइज़ का कॉर्नर में बना देंगे। तो यहाँ से मैं इसको अच्छे से सुई धागे से ज्वाइन कर दूँगी और ऐसे ही अब हम दूसरी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये अच्छे से इसमें जॉइंट हो गया है। और ऐसे ही हमें तीन और बना लें। तो तीनों मैंने बनाकर रेडी कर ली है। इस मैंने यहाँ पे बीच वाले में दो पॉम पॉम्स लगाए हैं और बीच के सेंटर में भी आप एक पॉम पॉम लगा लें, जिससे कि ये कवर अप हो जाएगा। उसके बाद हमें एक छोटा पीस लेना है गोटा पट्टी का, और इसके बाद अब हम यहाँ पे इसको ऊपर से लूप लगा देंगे, जिसकी वजह से हम इसको हैंग कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो गया है। इस नवरात्रि आप इस तरीके से इसको बनाकर अपने घरों को सजा सकते हैं। दिवाली में भी इसको बनाकर अपने घर के डोर पर लगा सकते हैं। तो ये मैंने लूप इसको ऊपर की ओर स्टिच कर दिया है और ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इस तरीके से आप और भी पीसेस बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाएगा। और इस तरीके से पूरा आप इसको डेकोर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें और भी ज़्यादा चार्म्स वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप अपने घर के गार्डन वगैरह में भी इसको सजा सकते हैं, कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं पेड़ ओड़ पर, बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है। तो देखिए ये बनकर मैंने इसको हैंग करके दिखा रही हूँ। तो नेक्स्ट हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे चूड़ियों की मदद से। यहाँ पे मैंने एक चूड़ी ली हुई है, जिसको हम कर लेंगे अच्छे से ऊन की मदद से कवर। तो यहाँ पे मैंने एक ऊन लिया हुआ है पतला वाला, उसको मैं ऐसे डबल कर लूँगी। आप और भी फोल्ड कर सकते हैं और इसके बाद इसमें फंसा कर पहले इसको पूरा आप कवर कर लें। तो यहाँ पर ऐसे करते हुए एक नॉट देंगे और उसके बाद पूरा हम इसको लपेटते जाएँगे। ऐसे करते हुए हम इसको पूरा कवर कर लेंगे लाल ऊन से। और इसके बाद हम इसमें सुई से इसको पूरा नॉट लगाकर स्टॉप कर देंगे। सुई को हमें यहाँ पे लगी रहने देना है। और इसके बाद अब हम लेंगे गोटा पट्टी, जिसको हम इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा गोटा पट्टी का पीस लिया हुआ है, जिससे मैं इसको कवर कर लूँगी। तो देखिए ऐसे करते हुए यहाँ पे पहले हम इसको ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद कवर कर लेंगे। इसके बाद हमें गोटा पट्टी को भी इसमें ज्वाइन कर देना है और ऐसे करते हुए तो कुछ कुछ दूरी पर इसको लपेटते जाना है। तो देखिए ऐसे करते हुए मैं पूरा इसको कवर अप कर दूँगी। और ऐसे ही हमें दो पीसेस बना लेने हैं। आप जितने चाहे उतने चूड़ियों के पीसेस बना सकते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे लास्ट के एंड में ले आके ऐसे ऐसे करते हुए पूरा इसको कवर करके यहाँ पे ले आके नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए ऐसे मैंने इसको कवर कर दिया है। अब हम इसमें एक पॉम पॉम लेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे सुई में लगा देंगे। उसके बाद अब हम कुछ मोतियाँ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिल्वर मोती का यूज़ किया है और इसको हम इसमें डाल देंगे। तो ऐसे करते हुए हम पूरा इसको एक लाइन बना लेंगे। और उसके बाद अब हम यहाँ पे इसमें ऐड करके यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से ये एक हैंगिंग टाइप में पॉम पॉम बन जाएगा। सेम ऐसे ही हमें दूसरी वाली भी बैंगल में करना है। अगर आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं पॉम पॉम का। और अब हम यहाँ पे कट कर लेना। तो इसको ज्वाइन करने के बाद अब हम कुछ बड़ी मोतियाँ लेंगे और इसको हम इसमें लगा देंगे।
इसको लगाने के बाद एक लाइन बना लेंगे और फिर दूसरी वाली जो बैंगल है वो हमें इसमें ऐड कर देनी है। तो ऐसे देखिए मैंने यहाँ पे मोतियाँ लगा दी है। उसके बाद अब हम दूसरी वाली जो बैंगल है इसमें ज्वाइंट कर देंगे। तो ये मैंने कर दिया है। अब ऐसे ही आप चाहे तो जितनी चाहे उतनी बैंगल्स आप इसमें लगा सकते हैं सेम ऐसे ही प्रोसेस से। तो अब मैं यहाँ पे बीच वाले में इसमें फिर से पॉम पॉम ऐड करूँगी जैसे मैंने नीचे वाले में किया है। कोई भी कलर का आप पॉम पॉम इसमें लगा सकते हैं, ग्रीन, येलो, पिंक, कोई भी ब्लू आप लगाकर ऐसे ही पूरा लाइन बाय लाइन आप बैंगल को ज्वाइन करते जाएं और इसको बनाते जाएं। तो इसमें दर्द से बहुत ही आसानी से आप डेकोर के लिए ये आइटम बनाकर रेडी कर सकते हैं। ऊपर की ओर मैंने एक लूप लगा दिया जैसे मैंने पहले वाले में लगाया था और नीचे की ओर भी मैंने कलरफुल पॉम पॉम्स ऐड कर दिए। तो ये दो वॉल हैंगिंग बनाकर मैंने रेडी किया है। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों अपने डोर के लिए। आप बनाकर इसको जितना बड़ा चाहे लगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।